बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल SS किचन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आप सबकी जो जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें और आपकी जो दिली हाजात हैं सबकी वो पूरा करें। आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिखाऊँगी एक इंतहाई मुनफरिद रेसिपी। हम आज अपने किचन में बनाएंगे होममेड खोया, इस रेसिपी का नाम है। और आपको पता है कि बाज़ार से लेने जाएं तो वैसे ही इतने ज़्यादा पैसों में इतना सा खोया आता है, तो आज मैं आपको घर पे सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाना सिखाऊंगी खोया। और ये इंतहाई लजीज बनेगा और बाज़ार से भी ज़्यादा शानदार होगा। बाज़ार वालों में तो वैसे ही मिलावट कर देते हैं, और हम घर पर बनाएँगे और ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का बनेगा और वैसे का ही मीठा मीठा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हमारे पास 2 किलो दूध, 1 प्याली मक्खन और 1 प्याली है हमारे पास यहाँ पे खुश्क दूध। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हमने 2 किलो दूध डाल लिया है, और अब हम इसको उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। ये कच्चा दूध है तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। एंड अब हम इसको इंतज़ार करेंगे कि कब इसको उबाल आएगा। अब यहाँ इसको उबालना शुरू हो चुका है और ये देखिए ये इसकी मलाई भी ऊपर आ गई है। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसके बबल्स जब तक नहीं आते तब तक हम इंतज़ार करेंगे, और जब इसके बबल्स आ जाएंगे देन जो है हम इसके लिए प्रेपरेशन करेंगे और अगला स्टेप करेंगे। एंड ये देखिए इसके बबल्स आ गए हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि दूध खुश्क नहीं हो जाता। एंड ये देखिए दूध उबल उबल के तो इतना रह चुका है पक पक के। एंड अब हमने इसमें ऐड कर दी 1 प्याली मक्खन, और अब इसको अच्छे से हम इसके साथ पकाएंगे। देन सेकेंडली हमने इसमें ऐड कर दी 1 प्याली खुश्क दूध। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता और खोए की फॉर्म में नहीं आ जाता। और आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं। और ये देखिए और चम्मच आपने कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहना है, चलाते रहना है ताकि ये नीचे मत लगे। और ये देखिए और थोड़े एहतियात के साथ चूल्हे से साइड पे रहिएगा क्योंकि इसके बबल्स ऊपर आ रहे हैं। एंड अब ये देखिए मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा खोया साथ नहीं लग जाता। एंड ये देखिए हमारी इसकी कंसिस्टेंसी खोए जैसी हो गई है। एंड अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट, और ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है आपको ये लाजमी पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको मीठे में, खीर में, हलवों में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको पता है बाज़ार से अगर हम खोया लेने जाएँ तो ज़्यादा से पैसों में बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा सा आता है, और यहाँ हमारे पास हमने सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से जो है इतना शानदार खोया बना लिया। आप इसको ट्राई करके मुझे मस्त बताइएगा ये कैसे बनना है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस मत करें। अगर आप अपनी फरमाइश से कुछ बनवाना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सबकी जो है फरमाइशों को पूरा करूँ। जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।